सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर मनोविज्ञान की इस क्लास में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट थर्ड में से थ्योरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या साधनात्मक अनुबंधन के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि पावलोव द्वारा दी गई थी, उसका अध्ययन किया। उसमें हमने डॉग पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में विवेचना की थी। आज साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत, जिसकी नींव ई एल थॉर्नडाइक द्वारा डाली गई थी। ई एल थॉर्नडाइक ने ट्रायड एंड एरर थ्योरी, प्रयास एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत दिया था, जिसमें हमने कैट पर किए गए थॉर्नडाइक के एक्सपेरिमेंट का अध्ययन किया था। तो साधनात्मक अनुबंधन का सिद्धांत की नींव तो ई एल थॉर्नडाइक ने डाली, परंतु इसका विकास बी एफ स्किनर द्वारा किया गया था। साधनात्मक अनुबंधन के सिद्धांत को हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हम क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग भी कहते हैं। तो विद्यार्थी, आपको ये याद रखने की आवश्यकता है कि इसे हम दो नामों से पुकारते हैं, एक साधनात्मक अनुबंधन सिद्धांत और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। तो थियोरी ऑफ इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग एंड थियोरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। स्किनर ने सीखने की व्याख्या करते हुए कहा कि जब प्राणी द्वारा किसी क्रिया प्रसूत अनुक्रिया को किया जाता है और उसके बाद जब उसे पुनर्बलन दिया जाता है, तो इससे की गई अनुक्रिया की शक्ति बढ़ जाती है और भविष्य में प्राणी उसे दोहराता है। तो स्किनर ने सीखने के संबंध में व्याख्या करते हुए ये कहा कि जब कोई प्राणी किसी प्रकार की अनुक्रिया करता है, या हम कह लें कि मान लीजिए हम किसी बच्चे को कोई रिस्पॉन्स सिखाना चाह रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो कोई कार्य करे जो हमने उसे करने के लिए कहा है, तो जब वह बच्चा कोई अनुक्रिया कर लेगा, मान लीजिए कि हम ये कह रहे हैं कि वह रोज सुबह उठकर ब्रश करे, और अगर वह यह क्रिया कर लेता है और उसके करने के बाद जब हम उसे पुनर्बलन के रूप में टॉफी देते हैं, तो इसके द्वारा जो हमने रिवॉर्ड दिया है, जो हमने रिइंफोर्समेंट दिया है, जो हमने टॉफी उसको दी है, जब हम उसे वो रिवॉर्ड देते हैं, तो इस रिवॉर्ड के कारण ये जो अनुक्रिया है कि वो सुबह उठ के ब्रश करे, उसकी जो शक्ति है वह बढ़ जाती है और वापस वो बच्चा उस रिस्पॉन्स को रिपीट करेगा। तो अगर हम कोई क्रिया सिखाना चाह रहे हैं और हम उसे रिवॉर्ड देते हैं, तो वो क्रिया प्राणी सीख लेता है या उस क्रिया को भविष्य में दोहराने की जो शक्ति है वह बढ़ जाती है। यही स्किनर ने अपने एक्सपेरिमेंट में दर्शाया है। क्योंकि इस तरह के अनुबंधन में सीखने का आधार पुनर्बलन या पुरस्कार होता है, इसलिए इसे हम टाइप आर कंडीशनिंग अनुबंधन भी कहते हैं। विद्यार्थियों, इस अनुबंधन में या इस अनुबंधन के द्वारा सीखने में इसका आधार क्या है? पुनर्बलन या रिइंफोर्समेंट है, इसलिए हम इसे टाइप आर कंडीशनिंग भी कहते हैं। और जो पावलोव द्वारा अनुबंधन का सिद्धांत हमने सीखा था, उसमें हमने उसे टाइप एस कंडीशनिंग कहा था, क्योंकि उस अनुबंधन में जिस अनुक्रिया का अनुबंधन होता है, जो हम चाह रहे हैं कि अनुक्रिया जो है उसका अनुबंधन हो या प्राणी उस क्रिया को सीखे, तो उसके लिए वहां पर उद्दीपक जो है वह आवश्यक होता था। उस उद्दीपक के उत्पन्न होने पर पुनर्बलन जो था उससे संबंधित था, इसलिए उसे हम टाइप एस कंडीशनिंग कहते थे। पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग को हमने टाइप एस कंडीशनिंग कहा, और यहाँ पर हम इसे टाइप आर कंडीशनिंग कह रहे हैं। और टाइप आर कंडीशनिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सीखने का जो आधार है वह रिइंफोर्समेंट या पुरस्कार या रिवॉर्ड है। स्किनर ने अपने साधनात्मक अनुबंधन के सिद्धांत के समर्थन में कई तरह के प्रयोग चूहों, कबूतरों आदि पर किए। उदाहरण के रूप में हम यहाँ चूहे पर किया गया एक प्रयोग की चर्चा कर रहे हैं। विद्यार्थियों, आपके सामने जो चित्र है, उसमें स्किनर ने जो चूहे पर एक्सपेरिमेंट किया,
उसके बारे में दिखा रखा है। स्किनर ने एक भूखे चूहे को विशेष छोटे जांच कक्ष में एक स्मॉल टेस्ट चैम्बर बनाया, जिसे उन्होंने शुरुआत में ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर या क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है इसे उसने ऑपरेंट कंडीशनिंग चैम्बर कहा। परंतु उन जो स्किनर के शिष्य थे उन्होंने अपने गुरु को सम्मान देने के लिए इस बॉक्स का नाम स्किनर बॉक्स रखा। तो जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है रैट पर वह किस में किया गया, स्किनर बॉक्स में। इस बॉक्स में जाली का एक फर्श है, रोशनी है इसमें एवं एक लीवर है तथा एक भोजन का कप भी है। आप यहाँ देखिए इसमें आपको रोशनी के लिए एक गोल लाइट टाइप दिखाई दे रही है, फिर एक लीवर है जिसे चूहे को प्रेस करना है और एक भोजन की ट्रे है जिसमें उसे भोजन या फूड पैलेट्स या कुछ खाने की गोलियां जो है वह मिलेगी। इस बॉक्स की विशेषता या इस बॉक्स की विशेषता यह है कि जब भूखा चूहा बॉक्स में इधर उधर घूमते हुए भोजन के कप के पास पहुंचता है तो उसके पास एक लीवर होता है जो उससे अचानक दब जाता है। तो जैसे ही उससे वह लीवर दबता है तो इस भोजन के कप में कुछ फूड पैलेट्स या कुछ खाने की गोलियां जो है वह निकल कर आती थी जिसे चूहा खा लेता था। लीवर दबाने की इस अनुक्रिया को वह अगले प्रयासों में भी दोहराता देखा गया। तो जब भी उसे भूख लगती तो वह उस लीवर के पास जाता और उसे दबा देता और उसे भोजन की प्राप्ति हो जाती। क्योंकि ऐसा करने से उसे भोजन या पुनर्भरण मिलता था तो वह धीरे धीरे इस अनुक्रिया को सीख गया। और यहाँ पर अनुक्रिया कौन सी थी, लीवर दबाने की अनुक्रिया को जो चूहा है वह सीख जाता है। तो विद्यार्थियों आपने देखा कि जो स्किनर का एक्सपेरिमेंट है उसमें उन्होंने ये बताया कि जब उसे रेनफोर्समेंट मिलता है तो लीवर दबाने की जो उसकी अनुक्रिया है वह सीख लेता है या जो लीवर दबाने की अनुक्रिया है उसकी जो इंटेंसिटी है वह बढ़ जाती है। और यही वो अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताना चाह रहे थे कि जब किसी अनुक्रिया के लिए रेनफोर्समेंट दिया जाता है तो उस अनुक्रिया की शक्ति जो है वह बढ़ जाती है। तो विद्यार्थियों आज हमने स्किनर द्वारा दिए गए थियरी जिसे हम इंस्ट्रूमेंटल या ऑपरेंट कंडीशनिंग कहते हैं इसके बारे में अध्ययन किया तथा चूहे पर किए गए प्रयोग का भी हमने विवेचना की। सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखने एवं सुनने के लिए धन्यवाद।